हल्द्वानी में हमलावरों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के भाई ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में कत्था फैक्ट्री के पास उसके पिता खाने के ठेला लगाते हैं। जिस वक्त घटना हुई, वह किसी काम से बाजार गए थे। इतने में ही अमित के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। घटनाक्रम की सूचना मिलते ही एसपी सिटी हरबंस सिंह, सीओ सिटी भूपेंद्र सिंह धोनी, कोतवाल हरेन चौधरी और टीपी नगर चौकी के प्रभारी सुशील जोशी मौके पर पहुंच गए। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि अमित के ऊपर हमला करने वालों को जल्द ही पुलिस पकड़ लेगी। हमलावरों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से चेक कर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अमित कश्यप नाम के व्यक्ति की, जो अपने रेडी पे खड़ा होकर सामान बेच रहा था, उस पर एक धारदार हथियार से वार किया गया। मौके पर उनसे परिजन पहुंचे तो उसको एसटीएच हॉस्पिटल ले गए। एसटीएच हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इसमें पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं और उसकी पुरानी रंजिश अगर किसी से कोई है तो उसका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। और इसमें हमारी टीमों का गठन कर दिया गया, लगातार हमारी सीसीटीवी वाली टीमें और पूछताछ वाली टीमें काम कर रही हैं।